guys. So guys, today we are back with the amazing and fantastic chapter. I think a very big good news for class 9 students. That is the basic of biology, that is the fundamental unit of life. So guys, once again, welcome to your own channel, Biology Circle. I am Imam Jani, your friend, and this class is by a learner, for a learner. So guys, the fundamental unit of life, the basic chapter, which is the, I think we can say that the basic staircase of whole biology. So here, from this chapter, we start talking about the cell. So here we go. सेल तो अपन मेनली हर बार सुनते हैं कि कोई भी अपन को पूछता है, भले स्कूल में या घर पर कोई भी, अगर अपने फ्रेंड्स भी अपन से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेल, सबसे ऊपर जबान पर केवल एक लाइन फिक्स आती है, व्हाट इज सेल, सेल द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन फिक्स है, हर किसी के पता ही होगा, हर किसी को ये लाइन, ठीक है। तो क्या पता चला, भले क्या अपन को पता होता है, सेल that is the structure and functional unit of life, okay, cell, the structure and functional unit of life। पर अब इससे मतलब क्या, the structure and functional unit of life से मतलब क्या, मतलब सेल अपन नॉर्मल वे में समझे ना, तो सेल क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हम ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, वो भी सेल है, ठीक है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो ओवरऑल बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो मेन बेसिक कंसेप्ट है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेल से, ठीक है। अब ये अब सेल निकाला किसने, किसी ने तो निकाला होगा, वरना आज हमको पढ़ने की जरूरत होती नहीं। तो सेल को जिसने डिस्कवर किया था, जिस महान साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल। ईयर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन ईयर 1665, in year 1665, so Robert Hooke discovered the cell in year 1665। अब Robert Hooke ने कैसे discover कर लिया, मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ आज तो मेरे को cell discover करना है और मैं तो आज cell discover कर दूँगा। क्या था, Robert Hooke, अपन पेड़ देखते हैं ना, पेड़, तो पेड़ की बार की छाल, wooden color की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम bark of a tree, that is bark of a tree। Bark of a tree। So बस रॉबर्ट हुक ने क्या किया, घूम रहे होंगे गार्डन में ऐसे ही फ्री में, तो उनको बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब पेड़ की छाल, तो उन्होंने क्या किया, इसको लिया और अपने घर आए, और उन्होंने तब तो माइक्रोस्कोप की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, तब मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, खुद ही एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप में बार्क ऑफ ट्री को देखा, ठीक है। तो उन्हें ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, मतलब कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब समथिंग लाइक कुछ ऐसा टाइप, ये 3D में, ये तो अपन नॉर्मल बना रहे, ऐसा टाइप स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ऐसा बार्क ऑफ ट्री में हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो फिर उन्होंने इस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को ना एक मतलब सेल का नाम दे दिया, सेल का। और सेल का नाम क्यों दिया, एक्चुअली सेल का जो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड
हेल का ये जो लैटिन वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है पता है? लिटिल रूम, लिटिल रूम, इसका लैटिन मीनिंग है सेल का, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया सेल. तो व्हाट इज सेल? द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ सेल, अभी इंपॉर्टेंट, मतलब क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तो अभी फर्स्ट चैप्टर और बेसिक क्लास है, तो उनके लिए तो ये बेसिक्स है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए एक हल्का सा चार्ट टाइप सेल अपन ने देखा, मतलब किसी भी चीज की स्टार्टिंग सेल से होगी. अब सेल तो क्या सिंगुलर, एक सेल. अब एक सेल, एक सेल, एक सेल, बहुत सारे सेल, मतलब एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल. अब उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि हमको तो अलग अलग नहीं रहना, हमको तो एक साथ रहना है, मतलब ग्रुप में आ गए. तो सेल सिंगुलर, अगर वही इन्होंने अगर ग्रुप बनाया, ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू ने अगर वापस ग्रुप ऑफ सेल बने, वापस ग्रुप, मतलब हर एक टिश्यू ने एक टिश्यू आपस में आगे ग्रुप बनाया, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू, अगेन ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, दैट इज ग्रुप ऑफ टिश्यू, दैट इज ऑर्गन, दैट इज सॉरी ग्रुप ऑफ टिश्यू, दैट इज मॉलिक्यूल, That is molecule. मतलब ये है ना एक स्टेज आगे बढ़ रहा है स्ट्रक्चर में, साइज में. सिंगुलर सबसे बेसिक यूनिट सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मॉलिक्यूल, सिमिलरली ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज ऑर्गन, एंड सिमिलरली अगेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. सो बेसिक यूनिट से स्टार्ट किया था, सेल से, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, दैट इज अपनी बॉडी में ओवरऑल जो ऑर्गन आपस में मिलके और अपनी बॉडी को चला रहे, फंक्शन कर रहे, तो ये क्या एक ऑर्गन सिस्टम है. अपन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो अपने पास हाईएस्ट वाला ही होगा. सो गाइस ये थी ओवरऑल फंडामेंटल यूनिट सेल की, कुछ बेसिक थिंग्स. अब अपन सेल को धीरे धीरे आगे पढ़ना चालू करेंगे. तो इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट देन प्लीज, अदरवाइज आई रब इट. So if you want, then please take fast. Okay guys, now I can rub this. Now guys, cell. So we talk that Robert Hooke was a scientist who discovered the cell in year 1665. Now, mainly after the discovery of cell, cell की discovery के बाद Robert Hooke ने cell discover किया था. उसके बाद compound microscope की discovery हुई. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपन ने, आपने लेफ्ट में देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसमें क्या होता है, आई लेंस होता है, उसमें अपन किसी भी स्मॉलेस्ट सेल को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. उसके बाद एक साइंटिस्ट था, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन. गाइस दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, याद रखने में सिमिलर होगा, डिस्कवरी ऑफ सेल Robert Hooke and Robert Brown. It is the next scientist which discover again a very important, that is discovered nucleus.
अब गाइस व्हाट इज न्यूक्लियस, तो सिंपल थिंग, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अस आवरसेल्व्स दैट इज ह्यूमन। अब अपन है ह्यूमन, अपनी ओवरऑल बॉडी में मेन ऑर्गन कौन सा है जिसके बिना तो मतलब अपन कह सकते हैं कि अपना कि अपन को चलना भी है खाना भी है ना, तो अगर वो अपन को ऑर्डर देगा तब अपन कर पाएंगे। ब्रेन, हर कोई ऑर्डर वही देता है, अपने पूरे हर एक ऑर्गन को ब्रेन ही ऑर्डर देता है। तो सिमिलरली इधर ह्यूमंस को आप सेल मान लो, सेल को यू न्यूक्लियस को अपन कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, इसको अपन कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, सिंपली मतलब ब्रेन ऑफ सेल, राइट, ब्रेन ऑफ द सेल। आपने मेरे साथ ये बनाते जाइए नोट्स, तो आपको क्या होगा वापस ये एनसीईआरटी होल रीड करने की इतनी मतलब टफ नहीं लगेगा, फिर आप एक केवल थोरो रीड अप करेंगे ना तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस व्हाट इज न्यूक्लियस, सिंपल नॉर्मली अभी सिंपल लैंग्वेज ब्रेन ऑफ सेल। नाउ सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, like one experiment is in your NCERT book, that is of onion peel, प्याज के onion के peel को अपन microscope में observe का एक वो experiment है। तो means there are different types of cells, for example onion cell, human cheek cell. Human cheek cell, etc. Now different cell have different functions, ठीक है, अब हर cell का अलग अलग function होगा और उनके अलग अलग function के हिसाब से उनका shape और structure decided होगा। तो mainly cell मतलब different types of cell होते हैं, पर हर कितने भी cell उसमें तीन चीजें common होती हैं, ठीक है, तीन चीजें कॉमन होगी, भले वो सेल प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, प्रोकैरियोटिक ईकैरियोटिक अपन आगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन चीक सेल है, ऑनियन सेल, कि कोई भी सेल हो उसमें तीन चीजें मेनली कॉमन होती है, ठीक है, वो तीन चीजें क्या होगी, थ्री थिंग्स विच आर कॉमन, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो गाइस सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। So means cell कैसा भी हो, कोई भी cell हो, plant, animal, cheek cell, onion cell, prokaryotic, eukaryotic, कैसा भी cell हो, ये तीन चीजें common रहेगी, that is nucleus, mainly in common language we said that brain of the cell, plasma membrane, we talk later, and cytoplasm. अब बड़े होते हैं nucleus, nucleus normally brain of the cell, पर actually होता क्या है, let's say अभी ये एक cell, अब इसमें nucleus क्या होगा, mainly अगर देखें तो it is dark colored center dot present in cell means अगर let's say ये कोई भी cell है तो जो nucleus होगा वो इसके center में present होगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है, कह सकते हैं कि इट इज अ डार्क कलर्ड डॉट व्हिच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनी सेल। अब न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन कवर करके रखता है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब न्यूक्लियस है सेल की सेंटर में, तो कोई तो उसे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए,
उसे अपन उस जो मेंबर मेम्ब्रेन उसे कवर करता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस की बात हुई, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे कवर करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम आप उनको पता है, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम विच हेल्प इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या, जब बर्थ होती है चिल्ड्रन की तो फादर टू चिल्ड्रन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइड में अपन लिख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। So inside nucleus present chromosome. And chromosome के अंदर क्या होगा? Chromosome के अंदर present है होगा DNA, deoxyribonucleic acid. Inside nucleus present है chromosome. Chromosome के अंदर है DNA. और DNA के अंदर भी क्या है? DNA के अंदर है genes. तो गाइस सबसे पहले क्रोमोसोम अपन ने देखा, क्रोमोसोम डार्क कलर डॉट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब इनसाइड क्रोमोसोम क्रोमोसोम इनसाइड न्यूक्लियस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अपन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच आर हेल्पिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जीन्स। नाउ ये तो बात हुई न्यूक्लियस की। अब और न्यूक्लियस में एक पॉइंट है, ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ऑल्सो हेल्प इन और वी कैन से डिवीजन, ऑल्सो हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनी सेल्स लाइक अमीबा एंड ऑल दिस। फर्स्ट न्यूक्लियस कंप्लीट। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब ये एक सेल है, न्यूक्लियर देखा, न्यूक्लियर को कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट अब सेल को भी तो कोई कवर करेगा, सेल को भी तो किसी का प्रोटेक्शन चाहिए एक्सटर्नल मीडियम से, सेल को भी तो किसी का प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो मेम्ब्रेन सेल को कवर करेगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज मेम्ब्रेन कवर द सेल, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं मेनली कह सकते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपन को पता है कि मेम्ब्रेन विच कवर द सेल, और आप से व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो वही मेम्ब्रेन विच कवर द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विच कवर द सेल। अब सेल को कवर कर लिया, तो सेल को अब कवर कर लिया तो प्रोटेक्शन तो चलो हो गया, पर अब कोई चीज अंदर बाहर भी तो होगी, जैसे गैशियर कुछ उसके फूड पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस, गैशियर एक्सचेंज कुछ भी अंदर बाहर होगा, वाटर। तो ये क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल कह सकते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ये हर ऐसे रोकता, मतलब सबको नहीं रोकता कि सेल के अंदर केवल प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं तो किसी को अंदर और बाहर नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं। परमिएबल मतलब किसी किसी सब्सटेंस को ये अंदर बाहर जाने देता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन्हें ये अंदर जाने देगा। तो ऐसे सब्सटेंस बाहर से अंदर कैसे जाएंगे, अब कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर जाना है मीन्स उसकी जो क्वांटिटी होगी वो सेल के बाहर ज्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी, सेल के बाहर ज्यादा होगी मतलब हायर कंसेंट्रेशन और सेल के अंदर कम होगी मीन्स लोअर कंसेंट्रेशन। अब कोई भी चीज हायर से लोअर जाएगी या लोअर से हायर जाएगी, हायर से लोअर ही जाएगी, सो हायर से लोअर मीन्स सेल के अंदर, सो हायर से लोअर, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस
फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाएगा? डिफ्यूजन के जरिए. अब अगर वाटर को सेल के अंदर जाना हो तो सब्सटेंस जो सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगा वो तो चला गया. अब अगर वाटर को अंदर जाना हो तो लेट्स से वाटर को अंदर जाना हो तो अगर वाटर को अंदर जाना होगा तो वो जो प्रोसेस का यूज सेम है, हाइयर से लोअर, वाटर भी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस. उसको अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस. तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज ऑस्मोसिस. तो ये हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात. न्यूक्लियस की अपन ने बात की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ सब्सटेंस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. जिस प्रोसेस से वो अंदर बाहर जाएंगे वो होगा डिफ्यूजन. अगर वाटर को अंदर और बाहर जाना होगा तो वो होगा ऑस्मोसिस. तो ये अपन ने बात की न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. और अपने जो थर्ड चीज विच इज कॉमन इज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या? अब साइटोप्लाज्म क्या हुआ? कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक ओवर ये सेल है. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, तो ये इतना पूरा पार्ट, ये इतना पूरा पार्ट ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म. दैट इज मैट्रिक्स. कह सकते हैं मैट्रिक्स फ्लूइड इनसाइड सेल एक्सेप्ट ऑर्गेनल. अब ऑर्गेनल्स मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा अंदर ऑर्गेनल्स होंगे. अब जैसे अपन आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गॉल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, उन सबको छोड़ के जो खाली स्पेस दिख रही है, ये पूरी ये खाली स्पेस दिख रही है, वो होगी साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो कौन सा भी सेल हो, कैसा भी सेल हो, ये तीन चीज हमेशा कॉमन रहेगी. दैट इज न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म. तो ये तीन चीज कॉमन रहेगी. तो अब अपन आगे चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. तो अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब कर दूं बोर्ड. सो मैं रब, यस. अब हम ओवरऑल एक सेल का स्ट्रक्चर लेके चलेंगे और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे. कि अब अपन का ऑर्गेनल्स मेन बाकी है. लेट्स से अपन एक बहुत बड़ा सा सेल बनाते हैं. दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेंट्रल न्यूक्लियस. दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Let's say it is vacuole. So let's say it is a common cell. Nucleus, nuclear membrane, vacuole, or it is matrix. और वी कैन से साइटोप्लाज्म. तो अपन ने तीन चीज देखी, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म. अब अपन इसके सेल के अंदर कोई अदर ऑर्गेनल्स भी होंगे तो उसको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे. तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, मेनली एक एक करके उसको, हर एक को ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं. तो जो पहला ऑर्गेनल आता है वो आएगा ईआर. दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या देखते हैं, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब और चेन लाइक स्ट्रक्चर. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट स्मूथ
smooth and second rough. Smooth and rough. So endoplasmic reticulum are a network of tubes or chain-like structure. There are mainly two types, smooth and rough. What is the difference between smooth and rough? Rough are type of ER or a type of endoplasmic reticulum on which ribosomes attached. And smooth are the type of endoplasmic reticulum on which ribosome not attached. So two types, smooth, rough. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके सरफेस से राइबोसोम अटैच्ड होता है. व्हाट आर राइबोसोम? ये भी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क चेन लाइक स्ट्रक्चर, टू टाइप्स, स्मूथ रफ जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, स्मूथ जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये क्या करता है? इट फंक्शन, इसका फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, इट डिटॉक्सिफाइज द पॉइजनस सब्सटेंस. इट डिटॉक्सिफाइज द पॉइजनस सब्सटेंस. मींस सेल के अंदर क्या होगा, बाय चांस कभी कभी कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट परमीएबल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाता है, तो ये क्या करेगा, उस पॉइजन सब्सटेंस की जो उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा, मीन उसकी जितनी भी नेगेटिव स्ट्रेंथ होगी उसे खत्म कर देगा, डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो सेकेंड आता है, सेकेंड स्ट्रक्चर, वो आता है लाइसोजाइम्स. जो इम्पोर्टेंट अपन को थिंग याद रखनी है अपन वही डिस्कस करेंगे. तो लाइसोजाइम अगेन अपन ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती है. तो लाइसोजाइम्स भी ऑर्गेनल है जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है. अब लाइसोजाइम्स को मेन है, इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ cell. अब मेनली आई अगेन स्टार्टेड हियर, क्वेश्चन मेनली हर बार एग्जाम में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि व्हाई लाइसोजाइम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल. अब इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? अब ऑर्गेनल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है सेल का, उसे तो सुसाइड बैग कहा नहीं, इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? अब लाइसोजाइम्स क्या होता है? एक ऑर्गेनल ऐसे सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है ना उसे क्लियर कर लेता है. अगर अंदर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो उसे डिग्रेड कर देंगे. तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर जो जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसे सबको क्लियर कर देगा, क्लियर वेस्ट मटेरियल. ठीक है, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है क्लियर करेगा. अब इसे सुसाइड बैग क्या करते, क्यों कहते हैं, क्या होता है, ध्यान से, कभी कभी सेल डैमेज हो जाता है, कुछ भी कंडीशन होगी जिसमें सेल डैमेज हुआ, तो कैसी भी कंडीशन जिसमें सेल डैमेज होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लाइसोजाइम क्या करेगा, इसके अंदर की जितनी भी एंजाइम्स होंगे वो स्प्लिट आउट हो जाएंगे, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स को, खुद के ओन सेल को ही डिग्रेड कर देंगे, उसके ओन सेल को डिग्रेड कर देंगे. मीन कभी भी एट एनी टाइम व्हेन सेल डैमेज इट एक्ट एज टू डिग्रेड और क्लियर इट्स ओन सेल. अब खुद ही खुद के सेल को मार रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सुसाइड बैग ही कहेंगे. तो लाइसोजाइम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. अब
लाइसोजाइम्स के बाद. तो गाइस कैन आई रब दिस, कैन आई रब दिस, इफ यू टेक स्क्रीनशॉट एंड प्लीज. सो गाइस नाउ आई एम रबिंग दिस. So next organelle, that is mitochondria. Mitochondria. So this is the next organelle. So guys, our next organelle, mitochondria. Mitochondria, it is known as powerhouse of cell. Known as powerhouse of the cell. अब जैसे अपन ने lysosome का देखा था, lysosomes are known as suicide bag of the cell. Then similarly, mitochondria is known as powerhouse of the cell. अब why it is known as powerhouse of the cell? A powerhouse means it provides something power to any cell. ठीक है, पावर हाउस तो इसीलिए बोलेंगे, कुछ तो उसे एनर्जी या पावर प्रोवाइड कर रहा होगा. दैट इज इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एनर्जी और वी कैन से सिंथेसिस ऑफ एनर्जी और वी कैन से एटीपी. फुल फॉर्म इज adenosine triphosphate. Now ATP adenosine triphosphate is normally say packet of energy. Okay, ATP is a packet of energy. So mitochondria known as powerhouse of the cell because it helps in synthesis of ATP. ATP that is energy which provide to cell. That is why mitochondria is known as powerhouse of the cell. Now our next organelle, plastid. Now one of the major difference comes here. All the organelles which we discussed till mitochondria, like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, vacuoles are all present in every cell. Means mainly present in cell. But plastid is the organelle which are only present in plant cell, not in animal cell. Plastids is the organelle which are only present in plant cell, not in animal cell. So, only present in plant cell. Plastids are of two types. Similarly, endoplasmic reticulum are of two types. Then similarly, plastids are of two types. First is chromoplast. And second is leucoplast. And on which basis we divide the plastids into two types? Means something basis is there. So that is the color. The basis on which we divide plastids into two types, that is chromosome, and leucoplast is color. That is chromoplast is brightly colored plastid, and leucoplast is colorless, or we can say white. Now, chromoplast plastid in which green color is there. Chromoplast plastid means green in color. Means plastids are of two types, that is chromoplast and leucoplast. But so guys, we come back again to our starting point, that is cell. So cell, in previous means sometime before we discuss about nuclear membrane,
we discuss about nuclear membrane. So now we classify cell into two types on the basis of nuclear membrane. We classify cell into two types. One is prokaryotic, and other is eukaryotic. And on which basis we classify cell into prokaryotic and eukaryotic? That is on the basis of nuclear membrane. That is, in one cell nuclear membrane is present and in one cell nuclear membrane is absent. Now what is nuclear membrane? We talked it before. That is the membrane which covers the nucleus is known as nuclear membrane. Now prokaryote and eukaryote. Again I started here. That is mainly the question comes, that is differentiate between prokaryote and eukaryote. So one difference is already there on the basis of nuclear membrane. In prokaryote, absent of nuclear membrane. In eukaryote, present of nuclear membrane. Second point, we differentiate both of them on the basis of their sizes. So prokaryotic cell are ranges size from 1 to 100 micrometer. Means prokaryotic cells, the smallest one is 1 micrometer and the biggest or largest is 100 micrometer. Means their size ranges from 1 to 100 micrometer. Eukaryotic, their size ranges from 5 to 500 micrometer. So first nuclear membrane present absent, second size 1 to 100 and 5 to 500. Now third is membrane bound organelles. Organelles are not well defined. And here membrane bound organelles are well defined. So this three the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells: nuclear membrane, size ranges, and membrane bound organelles. That is, in prokaryotic they are well defined. And in eukaryotic, they are not well defined. Now, dub this. So the again we start with cell only. That is, classify the cell to, now this time not on the basis of nuclear membrane. Mainly, first is plant cell. Second is animal cell. So these two types of the cell we know, we all know, that plant cell and animal cell. So again, we differentiate them. The mainly question arises, and the main question, differentiate between plant and animal cells. So first, plant cell and animal cell, first difference. If we talk before, one organelle, which I said before, that only present in plant, recall it, that is plastid. So plant cell, plastids are present, and animal cell, plastids are absent. First difference. Second difference, on the basis of vacuole, that is basis of organelle, that is vacuole. In plant cell, vacuoles are big in size. Plant cell vacuole are big in size. Or in animal cell, they are small in size. Third difference, on the basis of cell wall,
plant cell, cell wall is present. Cell wall is present. In animal cell, it is absent. In animal cell, it is absent. So again, the three main differences between plant cell and animal cell. Starting two of them are of organelle, plastid and vacuole. Third one is cell wall. Cell wall, we know, wall outside to plasma membrane, which present in plant cell but not in animal cell. That is, in plant cell, outer membrane is cell wall, but in animal cell, the outer membrane which covers the cell is not cell wall, that is plasma membrane. So here we completed the first chapter of class 9, that is the fundamental unit of life. So a quick recap, we start from cell only, that is cell, the structural and the functional basic unit of life. Then we see the scientist who discovered it, that is the Robert Hooke in year 1665. Then we see the scientist who discovered the nucleus, that is Robert Brown. Then some brief about microscope. Then the parts of cell, that is the three main parts which are common in every cell, that is nucleus, cytoplasm and plasma membrane, or we can say that cell membrane. Then a brief description of all the organelles present in cell, that is mitochondria, ribosomes, vacuoles, endoplasmic reticulum, lysozymes, that is the suicide bag of the cell, mitochondria, powerhouse of the cell, then plasma membrane, diffusion and osmosis, higher concentration to lower concentration, then differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell on the basis of present of or absent of nuclear membrane, and finally plant cell and animal cell. Differentiate three main points: plastids, absent, present, vacuole, big in size, small in size, and finally cell wall, absent and present. So here we completed the first chapter and the basic chapter of biology, the fundamental unit of life, or the cell, the fundamental unit of life. So guys, I hope you will like this video, and I will guarantee that it's very helpful to you. So if any query, any doubts, comment in comment box, and I will assure you that we definitely reply. So if you like, then please give the best thumbs up. So bye guys.